नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे इस वीडियो में जेनफ्लोक्स यूटीआई टेबलेट के बारे में। जानेंगे भाई क्या होती है, क्यों दी जाती है, कौन सी प्रॉब्लम काम आती है, कौन इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए जेनफ्लोक्स यूटीआई एक ब्रांड नेम है मैनकाइंड कंपनी का। दोस्तों इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो कभी भी इस दवा का सेल्फ यूज मत कीजिएगा। ये हर केमिस्ट स्टोर पर आसानी से मिल जाती है, काफी फेमस प्रोडक्ट है। बात करते हैं भाई ये क्यों दी जाती है, कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, किस तरह से काम करती है। तो देखिए ये वहां दी जाती है जहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। यूरिन में जब इन्फेक्शन होता है जिसको हम यूटीआई इन्फेक्शन कहते हैं, यानी यूरिनरी ट्रिक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, तो वहां पर ये प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर यूरिन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए देते हैं। देखिए जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो पेशाब करते समय काफी सारी समस्या होती है, जैसे कि दर्द हो सकता है, पेशाब का रुक रुक के आना ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, या सूजन आ सकता है ब्लैडर के अंदर। या दोस्तों देखा गया है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब पेशाब उतरता है, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ उतरता है या बूंद बूंद करके उतर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर इन्फेक्शन है। तो उस इन्फेक्शन से अगर ये प्रॉब्लम ठीक करनी है तो उस इन्फेक्शन को दूर करना पड़ेगा, तो इसलिए ये डॉक्टर देते हैं जेनफ्लोक्स यूटीआई पे यूटीआई इन्फेक्शन। बात करते हैं भाई ये काम किस तरह से करती है। तो देखिए इस काम को करने के लिए इसके अंदर दो सॉल्ट डाले जाते हैं। पहला है ऑफ्लोक्सासिन 200 एमजी, दूसरा है फ्लेवोक्सेट 200 एमजी। दोस्तों दोनों ही 200 एमजी में आता है। ऑफ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल को मारती है, उनकी ग्रोथ को रोकती है और आगे बढ़ने से बचाती है, इन्फेक्शन को खत्म करती है। दोस्तों फ्लेवोक्सेट ये एंटी स्पास्मोडिक टेबलेट होती है। ये इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो यूरिन की मांसपेशियां होती है, जो ब्लैडर होता है, जो यूरिन ब्लैडर होता है जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है, तो कई बार ब्लैडर भी ओवर एक्ट करने लगता है जिसके कारण पेशाब जल्दी उतरता है, कम उतरता है, बार बार उतरता है, तो वहां पर उस मांसपेशियों को स्मूथ करती है, रिलैक्स करती है। तो मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए ये एंटी स्पास्मोडिक टेबलेट चलती है ऑफ्लोक्सासिन के साथ साथ, तो वहां पर दर्द कम होता है, सूजन कम होती है और यूरिन भी धीरे धीरे सही तरीके से आने लगता है, इसलिए साथ में देते हैं। बात करते हैं डोज के बारे में कि कितनी लेनी चाहिए। तो डोज जो होती है ये वैसे तो डॉक्टर ही बताते हैं। देखिए ठीक है, अगर नॉर्मल डोज की बात करूँ तो दिन में दो बार कम से कम देनी पड़ती है, बड़ा व्यक्ति है तो वहाँ पर ये दी जाती है। दोस्तों ये टेबलेट जो होती है ये महिला भी ले सकती है और पुरुष भी ले सकता है, क्योंकि महिला के अंदर भी ब्लैडर होता है और पुरुष के अंदर भी ब्लैडर होता है, तो दोनों को इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहां पर दोनों इसका यूज कर सकते हैं। सुबह शाम लेनी पड़ती है, कम से कम 3 दिन ली जाती है, अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो 5 दिन 7 दिन चल सकती है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए, बीच में कभी भी बंद नहीं करना है, जितने दिन डॉक्टर ने कहा है उतना पूरा लेना चाहिए। बात करें साइड इफेक्ट के बारे में तो इसके साइड इफेक्ट वैसे तो नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया प्रॉब्लम हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है या पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम चांस में होते हैं। सावधानी बस स्टेबिलिटी यही है, कभी भी इसका सेल्फ यूज मत कीजिएगा। कोई महिला अगर प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में है तो वहां पर डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। दोस्तों गाड़ी चलाते समय इसकी डोज मत लीजिएगा, धुंधला सा दिख सकता है लेने के बाद। तो मिलते हैं वीडियो में।